हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। तो आज जो रीडिंग करने जा रही हूँ इसका टॉपिक है आपके पार्टनर के दिल और दिमाग में आज आपके लिए क्या चल रहा है, उनकी करंट एनर्जी को चेक करेंगे। कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है, जिस भी दिन देखेंगे वो आपके लिए कहीं ना कहीं आप कंसिडर कर सकते हैं। और इस रीडिंग में जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, स्त्री पुरुष पे फोकस नहीं करना, फोकस एनर्जीज पे करना, क्योंकि आप अच्छे से जानते हैं आपके पार्टनर स्त्री हैं या पुरुष हैं। ठीक है, जल्दी से अपने पार्टनर का ध्यान करें ताकि मैं उनकी एनर्जीज को पिक कर सकूं। ध्यान करने का मतलब मेडिटेट करें, उन्हें याद करें, उनकी स्माइलिंग फेस को याद करें। यदि मन में बहुत ज्यादा नेगेटिव एनर्जी है तो उसे वैनिश करने की कोशिश करें, वैनिश यानी कि दिमाग से निकालने की कोशिश करें, क्योंकि उस एनर्जी के साथ अगर आप रीडिंग देखेंगे तो कहीं ना कहीं आप नेगेटिविटी खुद अपनी लाइफ में क्रिएट कर रहे हैं, राइट। तो थोड़ा सा उनको पॉजिटिवली स्माइल के साथ याद कर सकते हैं या मन ही मन उनका नाम दोहरा सकते हैं। ठीक है, यूनिवर्स मुझे बताएं मेरे जो व्यूवर्स ये रीडिंग देख रहे हैं इनके पार्टनर के दिल और दिमाग में क्या चल रहा है। इनके लिए दो डेक्स का इस्तेमाल करने वाली हूँ, इम्पेस डिस्टेंस थंडर। लेट्स सी यूनिवर्स मुझे बताएं इनके पार्टनर के दिल और दिमाग में इनके लिए क्या चल रहा है। ये आपके पार्टनर का करंट स्टेट ऑफ माइंड है, ब्लॉकेजेस है। यहाँ पर मैं आपका रीसेंट पास चेक कर रही हूँ, अपकमिंग इवेंट, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स में मैं उनके दिल की एनर्जी और क्वीन ऑफ कप्स जो दिख रहा है वो भी दिमाग की एनर्जी। यूनिवर्स मुझे क्लारिफाई करें, क्वीन ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, टू ऑफ कप्स, सिक्स ऑफ कप्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके। यूनिवर्स प्लीज क्लारिफाई नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। सेवन ऑफ पेंटिकल्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, फाइव ऑफ वॉन्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक में सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स। मेरे व्यूवर्स की करंट एनर्जी बताएं, मेरे व्यूवर्स की करंट एनर्जी क्या है। टू ऑफ स्वॉर्ड्स, टेन ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, आपकी एनर्जी में लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, एरीज, लियो, सजिटेरियस ज्यादा मिला है। ये राशियां ज्यादा रिफ्लेक्ट हो रही है, दैट डजंट मीन कि सिर्फ इन्हीं राशियों के लिए बनाई गई है, सभी राशियों के लिए है, बट जो ज्यादा हाईलाइट हुई है मैं उनके बारे में बता रही हूँ। ठीक है, उस रिलेटेड आपको बता रही हूँ कि ये राशियां मुझे ज्यादा दिख रही है, तो हो सकता है ये राशि वाले ज्यादा लोग हैं जो ये रीडिंग देख रहे हैं। ठीक है, आपकी एनर्जी में आप इस रिलेशनशिप को लेकर कहीं ना कहीं डिनायल एनर्जी में जा चुके हैं। डिनायल यानी कि आप ये समझ लो कि अब आप इस रिश्ते में ज्यादा एफर्ट डालने के लिए रेडी नहीं है। आपने सोच लिया है कि अब आप इतना एफर्ट नहीं डालेंगे, मतलब ऐसा समझ लो कि आपके बिहेवियर में ऐसा नहीं दिख रहा है कि आप इस रिलेशनशिप में आना नहीं चाहते, आप इस रिलेशनशिप में रहना चाहते हो, बट आपके एटीट्यूड में चेंजेस हैं। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि अब आप ज्यादा बर्डन नहीं उठाना चाहते इस रिश्ते का, आप ज्यादा फोर्स नहीं करना चाहते। अगर आपके पार्टनर आते हैं तो वेलकम, जाते हैं तो भीड़कम वाला एटीट्यूड आपके अंदर दिखाई दे रहा है। यानी कि अब आप ज्यादा इनिशिएटिव नहीं लेना चाहते, इस रिलेशनशिप में अपना टाइम ज्यादा देना नहीं चाहते, बिकॉज आप थक गए हैं, आप बहुत ज्यादा इरिटेट हो चुके हैं, बार बार उनके लिए बहुत सारी चीजें करते हुए, बार बार उनको समझते हुए, बार बार उनको थाली में खाना परोसते हुए आप इरिटेट हो चुके हैं, जिसके वजह से ऐसी एनर्जी दिख रही है कि अब आप ज्यादा उन पे फोकस नहीं करना चाहते हैं या ज्यादा उनके बारे में नहीं सोचना चाहते हैं, उनको अपने दिमाग से निकालते हुए भी नजर आ रहे हैं। प्लस आपकी एनर्जी में ऐसा है कि आप अपने पार्टनर को लेकर बड़े क्लियर हैं, जहां पर अगर वो आ भी रहे हैं या कॉन्टैक्ट में भी हैं तो आप उनको क्लियरली बोल रहे हैं कि देखो यार, तुम अगर एफर्ट नहीं डाल सकते तो मैं एफर्ट नहीं डाल सकती, और अगर आप इग्नोर कर रहे हैं तो मैं इग्नोर करूंगी। लाइक जैसे को तैसा, अगर वो व्यक्ति आपको हर्ट कर रहे हैं आप उन्हें हर्ट नहीं करेंगे बट आप इन्हें इग्नोर करेंगे। वो व्यक्ति अगर आपसे बात करने में इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे तो आपका भी ऐसा नेचर है कि ठीक है बात मत करो, तुम्हारी मर्जी, तुम बात नहीं करना चाहते तो मैं भी अब फोर्स नहीं करूंगा। बेटा पता नहीं क्यों गर्म बहुत हो रहा है। सो यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रहा है कि अब आप ज्यादा एफर्ट नहीं डालना चाहते इस रिलेशनशिप में। आपको ऐसा लग रहा है कि आपने ऑलरेडी बहुत कर लिया है, सामने वाला व्यक्ति जो है आपको ग्रांटेड ले चुका है, अब आपको ऐसा लग रहा है कि बारी उनकी भी है, उन्हें भी थोड़ा प्रेजेंटेबल होना पड़ेगा, लव उनको भी देना पड़ेगा, और आप ज्यादा अब प्रयास नहीं करना चाहते, आप उनसे थोड़े से नाराज से भी नजर आ रहे हैं। ठीक है, यही मेरे को आपके पार्टनर की एनर्जी में दिखाई दे रहा है, हैंगमैन का कार्ड जो रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपके पार्टनर अभी भी आपको लेकर बहुत ज्यादा अडिक्टेड एनर्जी में, अडिक्टेड एनर्जी। अब मैं इस चीज को ना क्लियरली आपको समझाती हूँ। पहली बात तो ये एनर्जी रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपके पार्टनर आइसोलेशन में, आइसोलेशन यानी कि घर में ज्यादा बैठ रहे हैं, लोगों से इंटरेक्ट नहीं कर रहे। अब आइसोलेशन का मतलब ये नहीं है कि उनके घर में माहौल या चीजें खराब है, बस ऐसा लग रहा है कि मन उनका ज्यादा करता नहीं कि वो ज्यादा लोगों से इंटरेक्ट करें, ज्यादा लोगों से मिले, सिर्फ काम से एक्टिव रहते हैं, अदरवाइज ज्यादा लोगों के बीच में एक्टिविटी नजर नहीं आ रही। ऐसा लग रहा है कि ज्यादा पार्टिसिपेशन नहीं है किसी भी चीज में,
जहां पर जरूरी है वहां पर बात कर रहे हैं, जहां जरूरी नहीं है वहां बात नहीं कर रहे हैं। घर में या रूम में या अपने कैबिन में या अपने शेल में एक जगह, मतलब ऐसा लग रहा है कि अकेले रहना प्रेफर कर रहे हैं। यहाँ पर स्पिरिचुअलिटी भी दिखाई दे रही है, तो कहीं ना कहीं अपने अंदर डीप विद इन झांक कर बहुत सारे सवाल खुद से करते हुए नजर आ रहे हैं कि मैंने जो है ये क्यों किया, वो क्यों किया, या फलाना सिचुएशन में ऐसा क्यों हुआ, इस इंसान के साथ ये चीजें कहाँ खराब हुई। एक बोलते ना डीप विद इन झांक कर, कि वहां पे कहाँ मुझसे मिस्टेक हुई, कहाँ उससे मिस्टेक हुई। अंदर ही अंदर बहुत सारे सवाल हैं जो चल रहे हैं उनके माइंड में। प्लस ये एनर्जी ना उनके अंदर की स्पिरिचुअल अवेकनिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है। जो लोग स्पिरिचुअल जर्नी में है, यहाँ पर सबसे पहला कार्ड सेंटर में जो है स्पिरिचुअल जर्नी को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। जो लोग स्पेशली स्पिरिचुअल जर्नी में है, चांसेस बहुत स्ट्रांग है आपके पार्टनर अवेकनिंग से गुजर रहे हैं। अवेकनिंग एक बहुत अच्छा टाइम होता है जिसमें आपको, मैं समझाऊंगी कि ये वो पीरियड होता है जहाँ पे आपके पार्टनर को बहुत सारी रियलाइजेशन आती हैं, सेल्फ रियलाइजेशन आती है, और जहाँ पे उनको इस कनेक्शन के बारे में पता चलना शुरू हो जाता है, जहाँ पे उन्हें लगता है कि आप उनके लिए कितना मायने रखते हैं, आप उनके लिए कितने इंपॉर्टेंट है। बट अगर ये अवेकनिंग आपकी नहीं हुई है, यानी कि आप अपने घमंड और अहंकार में हैं और आपका एक ईगो चल रहा है जहां पर आप बोल रहे हो माफी मांगे मुझसे, जो चीजें हैं ठीक करने की प्रयास करें, उसकी ही 10 गलतियां थी, मतलब ये एक अगर अगर आपकी एनर्जी रहती है ना, तो इस अवेकनिंग में सिर्फ अकेले ये जो है अच्छा प्रोसेस कर रहे हैं, आप अच्छे से प्रोसेस नहीं कर रहे, तो एक प्रॉपर वाइब्रेशन नहीं। वाइब्रेशन यानी कि आप दोनों एक जैसी स्थिर पोजिशन पे नहीं है, यहाँ पर यूनियन होने के पॉसिबिलिटीज फिर कम हो जाते हैं। अगर आप लोगों को समझो, फॉर एन एग्जाम्पल, आप भी अवेकनिंग सिचुएशन से गुजर रहे हैं, आप भी स्पिरिचुअल हो रहे हैं, आइसोलेशन से गुजर रहे हैं। अब बहुत लोगों को ना आइसोलेशन का मतलब ये लगता है कि आइसोलेट करना मतलब ये हो गया। आइसोलेशन मतलब सबसे पहले जो लोग, जिन लोगों को समझ नहीं आता आइसोलेशन का मतलब, मैं उन्हें समझाऊं, आइसोलेशन यानी कि अपने आप को रूम में कैद कर देना, अपने आप को ऐसी जगह लाइक लोगों से ज्यादा इंट्रैक्शन ना करना, लाइक थोड़ा सा सबसे कटे कटे रहना और अपने आप में रहना, आइसोलेशन। ठीक है, बहुत से लोग तब भी आइसोलेशन करते हैं जब वो किसी बात से परेशान होते हैं, तो अकेले बैठना पसंद करते हैं, इसे आइसोलेट उन्होंने बेसिकली अपने आप को कर रखा है। ठीक है, तो लोगों को क्या लगता है कि वो लोग अपने आप को आइसोलेशन में कैसे कैलकुलेट करते हैं स्पिरिचुअल जर्नी में, कि दीदी मुझे किसी से बात करने का मन नहीं करता है, और आइसोलेशन में ना नेगेटिव थॉट्स में रहते हैं, पूरा टाइम नेगेटिव सोचते होते हैं, कि रोते हैं, परेशान होते हैं, एंजाइटी होते हैं, और सोच रहे हैं कि स्पिरिचुअल जर्नी में वो अवेकन हो रहे हैं, वो अवेकन नहीं हो रहे हैं, क्योंकि नेगेटिविटी से आपकी अवेकनिंग नहीं होती। अब अवेकनिंग का मतलब मैंने ऑलरेडी आप लोगों को समझाया, कोई कंफ्यूजन है तो मैंने एक्सप्लेन किया है आप लोगों की अवेकनिंग का मतलब क्या होता है। ठीक है, अवेकनिंग मैंने आपको खुद बोला, सामने वाले को रियलाइजेशन। अब आपको क्या हो गया ना कि आप अगर नेगेटिव हो, बहुत से लोग मुझसे रीडिंग लेते हैं ना तो ये बात बोलते हैं कि हम अवेकन है, बट जबकि खुद ही नेगेटिव बोल रहे होते हैं और खुद ही बहुत नेगेटिव बातें कर रहे होते हैं, नेगेटिव थॉट से घिरे रहते हैं, उनके कार्ड्स भी प्रिडिक्ट कर लेते हैं, वो छुपा भी देना तो उनके कार्ड्स ही ऐसे आ जाते हैं जहां पे पता चल जाता है कि यार ये लोग तो खुद ही नेगेटिव सोच रहे हैं, तो आप तब अवेकन नहीं है। आइसोलेशन मतलब ये अपने अंदर झांक कर अंदर ही अंदर भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि यार भगवान अगर मैंने कुछ गलत किया तो मुझे बता दे, अगर सामने वाले से कोई मिस्टेक हुई मुझे वो बता दे, मुझे क्या स्टेप्स लेने चाहिए तो तू मुझे मार्गदर्शन दे, वरना मैं तेरे भरोसे सब कुछ छोड़ता हूँ। ठीक है, ये एक पॉजिटिविटी है जिसमें सामने वाला किसी के लिए कलेश नहीं करता, किसी के बारे में गलत नहीं सोचता, और स्पेशली वो व्यक्ति एंजाइटी या डिप्रेशन में नहीं होता। ठीक है, ये जो आजकल का बेसिक वर्ड सब लोग यूज करने लगे ना, एंजाइटी हो रही है, डिप्रेशन होता है, नहीं, वो नहीं रहता, और ना ही सामने वाला खुद को किसी स्थिति में स्टक फील करता है, स्टक भी नहीं रहता है। तो आपके पार्टनर की एनर्जी बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है जहां पर रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये स्पिरिचुअल अवेकन हो रहे हैं, पर आपकी एनर्जी में अवेकनिंग नहीं है मेरे दोस्त। तो स्पिरिचुअल जर्नी में अगर आप लोग इन्वॉल्व हैं और स्पिरिचुअल जर्नी के बारे में ज्यादा इंटरेस्ट लेते रहते तो मैं आप लोगों को दो चीजें बता दूंगी। एक तो यार उसका अच्छा रिसर्च कर लो, कि आप ऐसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि सामने वाला ही आपके लिए सब कुछ करे, आपके भी बहुत सारे इनर वर्क्स और प्लेटफॉर्म्स होते हैं जिसपे आपको बहुत सारी चीजें करनी होती है, बहुत सारा कार्य आपका भी रहता है। ठीक है, अगर आप लोग को लगता है कि इनर वर्क समझ नहीं आता, सेल्फ लव समझ नहीं आता, स्पिरिचुअल जर्नी के प्लेटफॉर्म समझ में नहीं आते, यदि पूरा कॉन्सेप्ट ही सर के ऊपर से निकलता है, हम कोशिश तो पूरे करते हैं लेकिन फिर भी हमारे अंदर एंजाइटी रहती है, सैडनेस रहती है, नेगेटिविटी रहती है, मुझे कमेंट बॉक्स में आप लोग, ध्यान रखना मैसेज पे नहीं, कमेंट बॉक्स में आप लोग लिखो कि दीदी इसका वर्कशॉप लेकर आओ। मैंने बहुत पहले भी एक वर्कशॉप किया था, 300 नहीं, एक्चुअली मुझे लगता है 700 लोगों ने पार्टिसिपेट किया था उस टाइम पे। तो इस बार भी अगर आपको लग रहा है तो मैं डेफिनेटली वो वर्कशॉप लेकर आऊंगी, लेकिन उस वर्कशॉप में बहुत डीप विद इन झांक कर बताना पड़ता है। ऐसा नहीं कि आपकी एक एक में बैठ के जर्नी बता रही हूँ कि तुम्हारी जर्नी है, तुम्हारी जर्नी नहीं, ऐसा नहीं होता। उसमें एक्सप्लेनेशन मिल जाती है कि आखिर एग्जैक्टली कहाँ आप लोगों से मिस्टेक हो रही होती है, और सब बहुत सारे पॉइंट्स हमें उसमें कवर करने होते हैं। अगेन, स्पिरिचुअल जर्नी मेरा टॉपिक नहीं है यहाँ पर, यहाँ पर मैं आपको समझा रही हूँ कि आपके पार्टनर जो है स्पिरिचुअली अंदर ही अंदर बहुत पॉजिटिवली आपके बारे में सोच रहे हैं, सेल्फ रियलाइजेशन कर रहे हैं, लेकिन आप उस ऊर्जा में नहीं हैं। आप उस ऊर्जा में नहीं है तो आप ये नहीं सोच सकते कि आप एक परमानेंट यूनियन में आ जाएंगे, आप दोनों हैप्पीली एवर आफ्टर, नहीं। अगर ये व्यक्ति अब आपके पास आ भी गया ना या आ भी गई ना,
तो आपके दोनों के बीच में कोई ना कोई कलेश बना ही रहेगा, झगड़े होंगे, लड़ाइयां होंगी, बिना वजह के फिजूल की चीजें होंगी, क्योंकि इस इंसान ने अपना कार्य पूरा किया पर आपने अपना कार्य नहीं किया, आप अपने काम से भाग रहे हो, आपको लग रहा है सब उसको करना है। ठीक है, तो ये मैं लव की बात नहीं कर रही हूँ, मैं आपको इनर वर्क की बात कर रही हूँ, तो आई होप आप लोगों को कोई कंफ्यूजन क्रिएट नहीं हो रही है यहाँ पर। ठीक है, अब इतना हैवी टॉपिक को हटा देते हैं और एक और, हाँ एक और पॉइंट मैंने बोला था, मैं दो पॉइंट्स की बात कर रही थी, एक और पॉइंट ये, पोर्टल वीडियोस जो मैं डालती हूँ उसे गलती से भी स्किप मत किया करो, पोर्टल वीडियोस बहुत इंपॉर्टेंट होती है। पोर्टल वीडियोस में डालती जब हूँ ना, जैसे 77 पोर्टल, 88 पोर्टल, 11 पोर्टल, मैं उसमें काफी एक्सप्लेनेशन देती हूँ आप लोगों को, तो वो चीजें आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आप लोग जरूर देखा करो, वो स्किप मत किया करो। ठीक है, इनफैक्ट वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को स्प्रेड करो, शेयर करो, ताकि ज्यादा लोगों को एक प्रॉपर नॉलेज मिल सके, ना कि फेक नॉलेज, गलत नॉलेज। बहुत लोग गलत नॉलेज प्रोवाइड कर रहे हैं, यार ये चीज ऐसी, मैं नहीं बोल रही मैं दूध की धुली हूँ और मैं तो बहुत सही हूँ, नहीं, आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल कि बहुत सारे लोग जो है जो मिथ्स क्रिएट कर रहे हैं उसे हम थोड़ा मिटा सकते हैं, लोगों को हम एक रास्ता दे सकते हैं, मार्ग दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हैंगमैन की एनर्जी रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपके पार्टनर कहीं ना कहीं आपको लेकर आकर्षित महसूस तो कर रहे हैं, अडिक्टेड हैं, अडिक्शन यानी कि ये समझ लो कि वो आपको ये मानते हैं कि आप उनके लिए जरूरी है, आप उनकी आत्मा को पूरा करते हैं, आप उन्हें कंप्लीट फील कराते हैं, आप उन्हें संपूर्ण फील कराते हैं। कहीं ना कहीं एक होता है ना, जैसे शिव शक्ति की बात मान लो, यहाँ पर मैं ये नहीं कहूंगी कि सिर्फ ट्विन फ्लेम जर्नी वालों के लिए मैं बोल रही हूँ, बहुत सारी जर्नीज होंगी, लेकिन आप शिव शक्ति के एक एनर्जी एग्जाम्पल के लिए देख लो, शिव और शक्ति, एक कई फोटोज में होता है ना कि आधा जो है शिव जी है, आधे जो है माता रानी है, शक्ति माँ है, और एक दोनों एक ही बॉडी में है, तो वो क्या है, वो एक दूसरे को कंप्लीट करने की एनर्जी है, ये एक तरीके का इमेज है जो दिखाया जाता है कि भाई स्त्री पुरुष कैसे एक दूसरे को कंप्लीट कर रहे हैं, तो ये वाली एनर्जी है जहां पे उन्हें रियलाइजेशन है आपके पार्टनर को कि आप उन्हें पूरा करते हैं और अब वो अब आपके बिना अधूरे हैं, लेकिन वो नेगेटिव ऊर्जा में नहीं है, मातम नहीं मना रहे, नहीं है, रो नहीं रहे, परेशान नहीं हो रहे, वो अपनी एनर्जी को बहुत ही सही तरीके से यूज कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि नहीं ठीक है, जो सही है मुझे, मतलब लाइक होता है ना कि सही है जो होगा अच्छा होगा, भगवान की मर्जी से होगा, अच्छा एक थॉट, पॉजिटिव थॉट, आपके बारे में बुरा नहीं सोच रहे हैं, अच्छे थॉट्स है। अब ये सब चीजें क्यों शुरू हुई है, हर्मिट की एनर्जी कहाँ से आई, मैं ऐसे एक्सप्लेन करती हूँ आप लोगों को, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है लेकिन एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश कर रही हूँ। ठीक है, हर्मिट की एनर्जी रिप्रेजेंट कर रही है कि पिछले कुछ टाइम में आपके पार्टनर के साथ कुछ ऐसी ऐसी घटनाएं घटित हुई हैं जिससे वो लोगों से और बहुत से आसपास के स्थिति से मायूस हुए हैं, जहाँ पे लोगों से उम्मीदें की वो कहीं ना कहीं टूट गई, जिन पर भरोसा किया वो टूट गया, और अब वो स्थिति है जहाँ पर उनका जिंदगी में समझ लो वक्त बुरा चल रहा है पर उनका समर्थन या साथ देने वाला कोई नहीं है, उनके मन में बहुत ज्यादा प्यार है, आज की डेट में वो उस इंसान को, जिस भी इंसान को अप्रोच कर रहे हैं, जिस भी इंसान से ठीक से बात कर रहे हैं, वो जिनकी इन्होंने बहुत सारी मदद भी की होगी, कभी किसी टाइम पे हेल्प की होगी, दोस्त हो, मे बी पार्टनर हो, इन्वेस्टर हो, उनमें से जिनको भी संपर्क कर रहे हैं उनका भी व्यवहार इनकी तरफ बदल चुका है। हर्मिट की एनर्जी फेलियर रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपके पार्टनर ने रिसेंट में कोई फेलियर फेस किया है और उसके वजह से ये बहुत निराश है, और अब ये धीरे धीरे स्पिरिचुअलिटी के जरिए खुद को बेहतर और खुद को ट्रांसफॉर्म करने की जरूरत ये जो कोशिश कर रहे हैं, इसमें कहीं ना कहीं ऐसा एहसास है जिसमें ये कोशिश कर रहे हैं कि ये दूसरों पर निर्भर ना रहें और खुद में खुश, स्वयं में खुश रहने का प्रयास करते हुए नजर आ रहे हैं। इसे हम सेल्फ लव इन अ वर्क दोनों सिचुएशन में कह सकते हैं कि ये दोनों में से आप इसको कंसिडर कर सकते हैं कि ये सेल्फ लव है, ये नवक है। और मैंने हमेशा अपनी वीडियोस में बोला है कि आपको अपने पार्टनर को कुछ भी नहीं करना पड़ता है, ना ही उन्हें टेलीपैथी देनी पड़ती है, ना ही आप उनको जो है उनके लिए कुछ उनके बिहाफ पे रेमेडी या टोटके या टूने आपको कुछ करने रहते हैं, आपको कुछ नहीं करना रहता है, राइट टाइम पे होता है, राइट टाइम जब आता है डिवाइन टाइमिंग के अकॉर्डिंग, तब खुद आपके पार्टनर उस अवेकनिंग के पीरियड से गुजरते हैं, उस समय से गुजरते हैं, तो वही एक पीरियड आपके पार्टनर का चलता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर जो एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, यहाँ पर एनर्जी दिख रही है दिमाग की। अब दिमाग की अगर मैं बात करूं तो दिमाग में इस वक्त आपके लिए इनका फोकस नजर नहीं आ रहा है, मतलब मैं ये नहीं कहूंगी कि ये इंसान आपके साथ रहना नहीं चाहता, आपकी यादों से घिरा हुआ या घिरी हुई नजर आ रही है, यानी कि मेमोरीज हैं आपकी, आपको बहुत ज्यादा मिस करना, आपके लिए कहीं ना कहीं एक मन में थॉट रखना, अब तक इस इंसान के मन में ऐसा था कि ये आपसे किसी बात को लेकर नाराज थे, उन्हें लग रहा था कि आपने सिर्फ कंप्लेंट किया, आपने सिर्फ शक किया, आपने सिर्फ इन्हें हर्ट किया, आपने हमेशा सिर्फ शिकायतें करी, ऐसी एनर्जी में थे, बट पिछले कुछ टाइम से ना इनका माइंडसेट स्विच हुआ है। यहाँ पर देखो मैंने जब क्लारिफायर मांगा तो यहाँ पर देखो कितनी बड़ी स्विच एनर्जी हुई है। यहाँ पर देखो आप एटीट्यूड में बैठे हुए नजर आ रहे हैं, आप एटीट्यूड में हैं बहुत ज्यादा, आप ध्यान नहीं दे रहे, सामने वाला आपके सामने जैसे कटघेरे में खड़ा है, बट आप इंटरेस्टेड नहीं है, आपके आसपास बिली दिखाई दे रही है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है नेगेटिव एनर्जी को कि भाई आप बहुत ज्यादा बिली, इन द सेंस आई एम नॉट सेइंग कि सब बिल्लियां ऐसी होती है, बट एक
इमेज अगर देखो ध्यान से, तो आप एकदम ऐसे बैठे हुए एटीट्यूड में कि नहीं आई डोंट केयर अ डैम, और इनको बहुत दुख हो रहा है कि सामने वाला मुझे समझ नहीं रहा है, वो क्योंकि बेंडिंग एटीट्यूड में नजर आ रहे हैं। यहाँ पर एनर्जी देखो स्विच कर गई, स्विच कर गई यानी कि सडनली इन्हें लगने लगा कि जो भी है ये इंसान मुझसे प्यार तो करता है, मेरे दिमाग में इस इंसान को लेकर ऐसी छवि है, पर एक्चुअली में ऐसा नहीं है, इस इंसान ने मुझे बहुत प्यार भी दिया है, सपोर्ट भी किया है, इसने मुझे एक माँ या बाप की तरह संभाला है, मुझे गाइड भी किया है और इतना प्यार दिया, हमेशा उस तरीके से मेरे लिए अवेलेबल रहा या रही जहां जिस तरीके से शायद कोई अवेलेबल नहीं रहता। तो मन में ना सडनली एक स्विचिंग एनर्जी आ चुकी है, टू ऑफ कप्स, सिक्स ऑफ कप्स, आप देखो सडनली एनर्जी में स्विच आ चुका है, यहाँ एटीट्यूड से धीरे धीरे प्यार में कन्वर्शन आ रहा है। यहाँ पर एस ऑफ स्वॉर्ड्स रिप्रेजेंट कर रहा है उनके थॉट्स को, जहां पर वो सोच रहे हैं कि यार इतना बुरा इंसान भी नहीं था ये बहुत अच्छा इंसान था, इसने मेरा समर्थन या साथ बहुत दिया है। बट मैंने आपको क्या कहा कि ये ऐसा नहीं है कि इस वक्त इनका ध्यान पूरी तरह आप ही के ऊपर है या पूरी तरह ये आप ही के बारे में सोच रहे, नहीं, इनकी लाइफ में इस वक्त इनका मेन मोटो है ये अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इन्हें लग रहा है कि इनकी जिंदगी में जो भी चीजें बिगड़ी है वो सिर्फ इसलिए बिगड़ी है क्योंकि वहां कहीं ना कहीं इनके डिसीजन रॉन्ग हुए, और कहीं ना कहीं वहां इन्हें लगता है कि इन्होंने चीजों को ना बहुत प्रैक्टिकली हैंडल किया, इमोशनली हैंडल नहीं किया, ये लव में फोकस नहीं कर रहे थे या कहीं ना कहीं कड़वा बोल गए, रूड बिहेवियर, इनका बहुत ज्यादा एटीट्यूड ही चीजों को बिगाड़ता चला गया। बट अब आपके पार्टनर के अंदर जैसे एक डाउन टू अर्थ वाली एनर्जी आ रही है, जहां पर वो ना बहुत ज्यादा डाउन टू अर्थ बनते हुए नजर आ रहे हैं, बनती हुई नजर आ रही है, जैसे वो सोच रहे कि नहीं यार मेरा व्यवहार दूसरों के प्रति ठीक नहीं है या मेरा जो व्यवहार है मेरे पार्टनर के प्रति ठीक नहीं है, मुझे अपने व्यवहार में बदलाव लाना चाहिए। यहाँ पर उनके व्यवहार में चेंजेस आते हुए नजर आ रहे हैं, यहाँ पे वो खुद को बदलते हुए दिमाग में बदलाव, क्यों, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि हमेशा गलती सामने वालों की नहीं होती, कुछ गलतियां मेरे में है, शायद मैं हम्बल या ग्राउंडेड नहीं हूँ, मुझ में भी एटीट्यूड है, तो उसे चेंज करने की जरूरत है। यहाँ पर खुद को स्विच कर रहे हैं। यहाँ पर उनके दिल की एनर्जी में क्या है, दिल की एनर्जी में दिख रहा है कि कहीं ना कहीं नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी रिप्रेजेंट कर रहा है, एक सेकंड में आपको एक्सप्लेन कर लेती हूँ, सेवन ऑफ पेंटिकल, व्हील ऑफ फॉर्च्यून और फाइव ऑफ वॉन्ड्स, उन्हें कहीं ना कहीं डर है इस बात का, उनका दिल इस बात को लेकर परेशान है कि कहीं ऐसा ना हो कि वो फिर कोई गलत फैसला ले और उसके बाद ये पछतावा उनके अंदर हो जाए, रिग्रेट नहीं करना चाहते अपने फैसले को लेकर, इसीलिए टाइम लिया हुआ है, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है इसके वजह से एक्शन नहीं ले रहे, दिल ही दिल सोच रहे हैं आपसे बात करना, आपको अप्रोच करना, पर इनको डर लग रहा है, इनको डर इस बात का लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में ये फिर से कहीं टाइम वाइम इन्वेस्ट करें, आपको प्यार दें, आपसे अटैच हो जाएं या आपके लिए खुद को बदल जाए, कहीं ऐसा ना हो कि वो इस सिचुएशन में रिग्रेट करें, आने वाले समय में ऐसा ना हो कि आप उनको उनके साथ बुरा बर्ताव करें और उन्हें एहसास कराएं कि वो तो खुद होकर आ गए, आप उनके लिए मरे नहीं जा रहे थे, या वो तो उन्होंने जो है आपके लिए कुछ किया नहीं, या फिर से शिकायतों का पिटारा आना शुरू हो जाए, जिससे वो कहीं ना कहीं डरते नजर आ रहे हैं, उन्हें लग रहा है कि उन्हें आना है लेकिन कहीं ना कहीं वो आपके बारे में सोच रहे हैं कि यार ये इंसान कहीं ओवर रिएक्ट ना करे, और अभी तो नॉर्मल रह सकता है, हो सकता है सिचुएशन, पर बाद में चीजें बिगड़ सकती है, ये चाहते हैं आप दोनों के बीच में सुलह हो, बट कहीं ना कहीं इन्हें लगता है कि आप दोनों के बीच में इन फ्यूचर कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग या इश्यूज ना हो, जिससे डरते हुए नजर आ रहे हैं। टेम्परेंस की एनर्जी रिप्रेजेंट कर रहा है नियर फ्यूचर में, जिसमें यहाँ पर मुझे ब्लिसफुल लव रिप्रेजेंट कर रहा है, बहुत सारा प्यार, लेकिन ये प्यार आपसे नहीं खुद से है। लेट्स सी, इसको क्लारीफायर में निकालते हैं, यूनिवर्स टेम्परेंस को क्लारीफाई करें, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, एट ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, अभी थोड़ा टाइम लगेगा, आप ये समझो यूनिवर्स आपको ये टेम्परेंस की एनर्जी के साथ ये रिप्रेजेंट कर रही है कि इस रिलेशनशिप में अभी और टाइम चाहिए, इस रिलेशनशिप में अभी आपके पार्टनर की बहुत हीलिंग पेंडिंग है, और जहाँ की जहाँ से मैंने आपको बोला मुझे क्लियरली एक चीज, मैं ना बड़ी मूवफट हूँ, आप लोगों अगर बहुत समय से मेरे चैनल पे हो ना तो आप लोगों को पता होगा बहुत दीदी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, तो मेरा ना एक बहुत ही खराब नेचर है, जब मुझे कोई गलती आप में दिखती है ना मैं मुंह पे बोल देती हूँ, फिर वो आप लोग की प्रॉब्लम है, वो आप एक्सेप्ट करें नहीं करें वो चॉइस आपकी आ जाती है, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि मुझे क्लियरली दिख रहा है कि आपके पार्टनर की तो हीलिंग पे काम चालू हो चुका है, हीलिंग यानी कि आप ये समझ लो कि वो खुद को बदल रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है, धीरे 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 बीती वालों बातों को, नेगेटिव चीजों को, सबको भूलेंगे और धीरे 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 उनके अंदर और ज्यादा परिवर्तन, और ज्यादा लव, और ज्यादा ऐसी एनर्जी आएगी जहां पर वो आपसे माफी मांग सकते हैं, चीजें ठीक करने का प्रयास कर सकते हैं, एक नया इंसान आपको इनमें देखने को मिल सकता है। बट सॉरी टू से दिस, मैं आपको खुले मुंह से ये बात बोलूंगी, आपकी कोई अवेकनिंग नहीं हुई है, आपका कोई प्रोसेस नहीं हुआ है, आपने पास्ट में जरूर किया है, ये मुझे क्लियरली दिख रहा है कि पास्ट में आपने कार्य किए हैं, स्पिरिचुअल एक्टिविटीज की हैं, आपने कुछ चीजें की हैं जिसमें आपने लेट गो किया है, बट अभी की एनर्जी में सबसे ज्यादा नेगेटिव एनर्जी आपके अंदर ही दिख रही है,
नेगेटिव यानी कि इस इंसान को लेकर बहुत सारी शिकायतें, ये इंसान को झुकाना है, घुटनों पे लाना है, उससे माफिया मंगवानी है। मानो ना मानो आपका ईगो एक्टिव हो चुका है, इस रिलेशनशिप में आपकी अवेकनिंग नहीं हो रही है, आपका प्रोसेस रुक गया है। अब ऐसे में क्या होगा ना, अगर ये इंसान आ भी गया ना तो ये चीजें बिगड़ जाएंगी आप लोगों के लिए, क्योंकि आप उस एनर्जी में नहीं हो। अब 2 दिन भी इस इंसान के साथ सही से रह नहीं पाओगे, 2 दिन के अंदर ही आप इम्पेशेंट हो जाओगे और आप ये बोलोगे यार वो तो मुझे ध्यान ही नहीं दे रहा है, वो तो मुझे वैल्यू ही नहीं कर रहा है, जबकि चीजें बदल चुकी होंगी इस वक्त। इस बार ये आपको अप्रिशिएट करेंगे लेकिन आपको लगेगा कि 24 घंटे बात करें, अब मुझे ध्यान नहीं दे रहा है, मतलब एकदम से इंस्टेंटली कुछ कर क्यों नहीं। इम्पेशेंट हो जाओगे एकदम से, क्योंकि आपका काम कंप्लीट नहीं हुआ है, आपने अपने काम को अधूरा छोड़ा है, आपकी सारी एक्टिविटीज बंद हो चुकी है और आपके अंदर नेगेटिविटी, एंजाइटी, स्ट्रेस, एग्जॉशन, ईगो ज्यादा आ चुका है। ठीक है, तो सॉरी टू से दिस, आप अपनी गलतियों को भी नहीं देखते और आप हर जगह से उनको ही ब्लेम कर रहे हैं। आप मुझे ये सब मत बताना कि उसने फलाना क्या किया, वो तो मैं एक्सपेक्ट कर ही नहीं रही हूँ कि आप मुझे बताएं। मैं हर सूरत में बोल रही हूँ कि अगर एक कनेक्शन में आप चाहते हैं लव यूनियन, और एक कनेक्शन में आप चाहते हैं कि एक साथ दोनों एक हो जाएं, तो उस कनेक्शन के लिए दोनों तरफ से एफर्ट होता है, एक तरफ से नहीं। एक हाथ से ताली कभी नहीं बजती, ताली 2 हाथ से बजती है। अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपकी जिंदगी में परमानेंट यूनियन हो, तो थोड़ा आप अपने पे काम करो। यदि आपको समझ ही नहीं आ रहा है कि ये तरीके का प्रोसेस जो है वो आपको एग्जैक्टली क्या करना है, क्या क्या चीजें हैं, प्रोसेस नहीं समझ में आता, आपको लगता है मुझे ये वर्कशॉप लाना चाहिए, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बहुत सारे आप लोग जो है चीजें जो भी आपके मन के डाउट्स हैं वो आप डाल दो, ताकि फिर मैं उस चीज का वर्कशॉप लाने के बारे में सोच सकूं। हालांकि अभी मेरे पास टाइम की थोड़ी सी कमी है, लेकिन अगर आप कमेंट में डालोगे तो मैं थोड़ा सा सोचूंगी इसके बारे में कि आई शुड डू इट। वर्कशॉप हम लोग एक ही दिन का कर सकते हैं, मैंने लास्ट टाइम भी किया था, कंटिन्यू 3 घंटे का लेक्चर हुआ था, 3 घंटे का क्लास हुआ था, तो बहुत से लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, बहुत से लोगों के मैंने मिथ्स और बहुत सारी चीजें क्लियर की थी। बट तब की चीज में और अब में थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि तब मैंने प्रेजेंटेशन के बेसिस पे आप लोगों से सब चीजें क्लियर की, अब ओरली बहुत सारी चीजें बताई जाएंगी। तो ऐसा मेरे दिमाग में चल रहा है, अभी तक मैं श्योर नहीं हूँ, आप मुझे कमेंट बॉक्स में डालो तब ये सब चीजें बताओ, तभी मैं उस हिसाब से लाऊंगी वर्कशॉप। ठीक है, बाकी 9 ऑफ कप्स की एनर्जी ऑब्स्टेकल में, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि इस इंसान की तरफ से जो ऑब्स्टेकल आ रही है इस रिलेशनशिप में, वो ये है कि ये अपनी ही इच्छा से दूर भाग रहे हैं, ये अपनी इच्छाओं से डिस्कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं। यानी कि जैसे कि इच्छा आपके साथ रहने की, आपका होने की, आपके साथ एक खुशहाल जीवन जीने की, इस इच्छा से दूर भाग रहे हैं। ठीक है, अभी अगर आप मुझे बोलोगे दीदी आपने तो बोला ये हमारे बारे में सोच रहे, नहीं मैंने ये कहा यस ये सोच रहे, सब कुछ हो रहा है, यहाँ पे ऑब्स्टिकल ये है कि डर लग रहा है अपनी इच्छा को पूरा करने से। ऐसा लग रहा है कि जैसे कल तक सब कुछ भगवान पर छोड़ा, भगवान सब ठीक करेगा, लेकिन आप सोच रहे हैं अप्रोच करूं, लेकिन डर लग रहा है कि अपनी इच्छा पूरी करूं कि नहीं करूं, कहीं ऐसा ना हो मेरी ये इच्छा मुझे और नीचे गिरा दे, कहीं सामने वाला मेरे साथ ऐसा बर्ताव ना करे कि मुझे इतना तकलीफ हो जाए कि मुझे लगे मैं इस इंसान के पास क्यों गया, मैंने खुद को और छोटा कर दिया इसके सामने जाकर। तो वो एहसास से कहीं ना कहीं डरते हुए, ये एक प्रॉब्लम है जहां पर वो अपनी ही इच्छा को पूरा नहीं कर रहे हैं, उन्हें डर लग रहा है कि वो कहीं गलत फैसला तो नहीं ले लेंगे, बट कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपको कह रहा है कि आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, इस इंसान को हीलिंग रिक्वायर्ड है। अब आप में से कुछ लोग 1 साल दे दिया दीदी, 2 साल दे दिया, जो भी दिया आपने, 1 साल दिया, 2 साल दिया आपने, 4 साल दिए, 5 साल दिए, वो कहीं ना कहीं आपने, मैं मानती हूँ, दिए होंगे। हर एक चीज का एक टाइम होता है, अब ये टाइम शुरू हुआ है जहाँ पर डिवाइन टाइमिंग के अकॉर्डिंग यूनिवर्स आपको कह रहा है कि इंसान ने अब अपनी अवेकनिंग शुरू की है। मैंने अक्सर कहा है स्पिरिचुअल जर्नीज में अगर आप लोग इन्वॉल्व हो ना, तो कभी एक्सपेक्ट मत करना कि 6 महीने के अंदर आपके पार्टनर सुधर जाते हैं, 1 साल में सुधर जाते हैं, नहीं नहीं। मैंने कई बार ऐसे कुछ प्रोसेसेस देखे हैं, जैसे इतने इतने किस्से मेरे पास आए हैं जिसमें मैंने 8 साल बाद लोगों की अवेकनिंग देखी है। 8 साल बाद किसी की तो शादी वादी हो गए, बच्चे हो गए, सब कुछ आगे हो गया, और एकदम से उसके कहां, मतलब समझो 16-15 साल बाद जाके अवेकनिंग होगी, और किसी की बिल्कुल नहीं होती। क्यों नहीं होती? देखो उसके कर्मा कार्मिक डेप्थ पे निर्भर करता है, उसने कर्म अच्छे जो है बुरे किए हैं या जो भी है, उसका इस जन्म में यूनियन नहीं फिक्स्ड है, उसका यूनियन दूसरे या आने वाले लाइफ टाइम में होगा। उसका रीजन सिर्फ और सिर्फ वो सामने वाला, ऐसा नहीं होता है कि उसमें कोई फॉल्ट होता है, उसका रीजन ये होता है कि आपके अंदर भी पेशेंस नहीं होते। ठीक है, आपके अंदर भी वो चीजें या करने का जज्बा नहीं। आज की डेट में लोगों का शॉर्ट पता है कैसा हो गया है, रेमेडी करवा लो, टोटके करवा लो, टोने करवा लो, वशीकरण करवा लो, लेकिन अगर आप लोगों से एक प्रॉपर प्रोसेस फॉलो करवाया जाएगा ना कि ये है, तुमको ऐसे अपनी तरीके से आगे बढ़ना है, लोगों से होता ही नहीं, इतनी मेहनत कौन करे भाई, अपने आप को इतना क्यों अच्छा बनाया जाए, कोई जरूरत थोड़ी ना है। तो ये सब थोड़ा सा अलग थॉट है, आजकल की डेट में जो लोग बड़ा शॉर्टकट ढूंढ रहे, और उसी से मुझे सबसे ज्यादा चिड़ है। बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं ना दीदी रेमेडी बताओ, रेमेडी बताओ, मैं इसलिए नहीं बताती हूँ, मुझे चिड़ लगती है। नॉलेज सबका है, हर चीज का है, लेकिन चिड़ क्या लगता है कि सब लोग शॉर्टकट ढूंढ रहे हैं, कोई भी मेहनत नहीं कर रहा है अपने कनेक्शन पे, तो मुझे उसका बहुत दुख होता है, इसलिए मैं डालती नहीं हूँ सब चीजें, ना रेमेडी है वो, गाइड करना प्रेफर करती हूँ। ठीक है, एक टाइम पहले जबकि मैं बहुत डालती थी, फिर मेरे को बाद में लगा कि नहीं ये रॉन्ग है, ये पूरा एक अलग ही लेवल ऑफ मार्केट चल रहा है।
तो यहाँ पर जो दो कार्ड्स और रिप्रेजेंट हुए हैं इस एनर्जी में हम क्या देख रहे हैं? देखो बहुत डिटेल रीडिंग है, बहुत सारी चीजों को क्लियर किया है। कुछ लोगों को ये एनर्जीज नहीं पसंद आएंगी, कुछ को लगेगा कि बहुत बोलते हो, ये है वो है, बकवास करना है यार, ऑल द वेरी बेस्ट, नेगेटिव लिखना है लिखो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। बट मेरे जो व्यूवर सच में प्रॉब्लम में है, जिनको मदद की जरूरत है, मैं बस प्रयास कर रही हूँ कि मैं उनकी हेल्प कर सकूँ, ठीक है। बाकी आप लोग क्या बोलते हो, नेगेटिव बोलना है, ऑल द वेरी बेस्ट, मुझे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। एक चीज और, मैंने आपके पार्टनर के जो राशियां हैं, स्ट्रांग राशिज नहीं बताई हैं अभी तक, वो मैं बता दूँ। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस है। स्कॉर्पियो बहुत स्ट्रांग एनर्जी में है, लिब्रा और एक्यूरस यानी कि तुला और कुंभ राशि ज्यादा दिख रहे हैं। उसके अलावा मेष राशि और वृषभ राशि ज्यादा रिफ्लेक्ट हुए हैं, तो ये राशियां ज्यादा रिफ्लेक्ट हुई हैं। बर्थ नंबर 9 बहुत ज्यादा रिफ्लेक्ट हुआ है यहाँ पर, कहीं ना कहीं बर्थ नंबर 9 जो है रिफ्लेक्ट होने का मतलब उनके बर्थ डेट्स वगैरह में शामिल होता है, या ये उनके ऑरा या उनकी एनर्जीज को भी रिप्रेजेंट कर रहा है, और 9 नंबर ऑलमोस्ट नियर कंप्लीशन को भी रिप्रेजेंट करता है, अबंडेंस को भी रिप्रेजेंट करता है। तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में कोई खुशखबरी मिल सकती है। अब यहाँ पर दो कार्ड्स की बात की जाए जो मेरे सामने रिफ्लेक्ट हुए हैं, जो रिप्रेजेंट कर रहा है सबसे पहले इम्पेस की एनर्जी, जो यहाँ पर कह रहा है कि आपकी जो एनर्जीज रहेगी उस ऊर्जा के अकॉर्डिंग आपके पार्टनर बिहेव करेंगे। अगर आपकी ऊर्जाएं जो है एक अच्छी ऊर्जा में नहीं रहेंगी, अगर आप पॉजिटिविटी पॉजिटिव एनर्जी में नहीं है, तो जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, ये व्यक्ति आएंगे जरूर लेकिन आपका इनके साथ बनेगा ही नहीं, क्योंकि आप उस नॉर्मल एनर्जी में आए नहीं, आप अपने आप पे काम करने के लिए रेडी नहीं है, आप सामने वाले को ही सुधारने में लग गए, ठीक है। यहाँ पर एनर्जी ऑलरेडी आपके पार्टनर बहुत ज्यादा कंफ्यूज है, अगर आप देखो तो एक स्क्वायरल की एनर्जी में वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज नजर आ रहे हैं कि वो आपको अप्रोच करे कि नहीं करे, वो आपके पास आए नहीं आए, वो अपनी पेड़ की तरफ देख रहे हैं और उन्हें लग रहा है डेस्टिनेशन तो यही है लेकिन मैं आऊं या नहीं आऊं, एक कंफ्यूजन को रिप्रेजेंट कर रहा है। डिस्टेंट थंडर ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपके आसपास बहुत ज्यादा नेगेटिव ऊर्जाएं हैं, यूनिवर्स आपको कह रहा है क्लियर द एयर, अगर आपको अपनी जिंदगी में खुशहाली चाहिए तो आपको अपनी जिंदगी में ये नेगेटिव थॉट्स और ऊर्जाओं को अपने से दूर करना पड़ेगा, तभी ही आपकी जिंदगी में आपके प्रिंस या प्रिंसेस आ पाएंगे, ठीक है। सो ये थी आप लोगों की रीडिंग, अगर आप लोगों को रीडिंग अच्छी लगी आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको लगता है आपको पर्सनल रीडिंग की जरूरत है, आपके लिए ऑप्शन स्क्रीन पे अवेलेबल है। पर्सनल रीडिंग चार्जेबल होती है, फ्री नहीं होती है, और उसके अलावा जो है डिटेल्स उसके लिए व्हाट्सअप करना होता है, कॉल नहीं करना होता है, ठीक है। उसके अलावा ब्रेसलेट वगैरह के डिटेल्स भी आपके सामने स्क्रीन पे है। और उसके अलावा अगर आपको लग रहा है कि मुझे वर्कशॉप लाना चाहिए या ये स्पिरिचुअल जर्नी के लिए मुझे डिटेल में जो है आप लोगों के लिए कोर्स अप्रोच करना चाहिए, आपको बताना चाहिए, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मैं आप लोगों के कमेंट्स के अनुसार ही डिसाइड करूंगी कि वर्कशॉप मुझे लाना चाहिए कि नहीं लाना चाहिए। अगर ये वर्कशॉप आया भी तो वीकेंड के किसी दिन पे ही आएगा, संडे वगैरह ही करेंगे, और इसके रिलेटेड प्लीज मैसेज मत कीजिएगा। आप में से कई लोग क्या सोचते हैं ना कि यहाँ कमेंट नहीं करके हम वहाँ मैसेज करें तो दीदी पढ़ लेगी, पर मैं आपको बताऊँ सबसे बड़ी गलतफहमी हो जाती है आप लोगों की, मैं फिर भी कमेंट पढ़ लेती हूँ पर वो जो मैसेजेस आते हैं वो सिर्फ टीम पढ़ रही होती है, मैं पढ़ ही नहीं रही होती हूँ। मेरे को सब तो सीधा अपॉइंटमेंट होने के बाद, सब कुछ होने के बाद या एंड में पता चलता है, तो कई कई बार मेरे पास मैसेजेस नहीं पहुंचते आपके, इसलिए बेटर है कि आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखा करो, जो भी उसके रिलेटेड मैसेजेस या कमेंट्स में कभी भी कुछ रहता है आप कमेंट्स में ही डालो, क्योंकि मैं फ्री होते ही सबसे ज्यादा कमेंट्स को ही चेक करती हूँ, ठीक है। सो अगर आप लोगों को अच्छा लगा लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। अभी के लिए इतना ही, बाय, टेक केयर, ओम साईं राम।